तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं राजस्थान वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 11वीं के अंग्रेजी विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देख कर जाइएगा, जिससे कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। टोटली प्यारे विद्यार्थियों ए टू जेड क्वेश्चंस में यहाँ से आपको बताने वाला हूँ, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देख लिया। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं राजस्थान वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 11 के अंग्रेजी के पूरे पेपर को। तो देखिएगा यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर लिख लेने हैं। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आपका जो पेपर होगा ना उसको हल करने के लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। और देखिएगा इसी प्रकार का पूरा आपका पेपर होगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझ लेते हैं कि आपकी वार्षिक परीक्षा का पूरा पेपर किस प्रकार का आना है और आपको अपने पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। आपके पेपर का सेक्शन ए ये यहाँ पर आपको दिया गया है, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा गया है रीड द पेजेस केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इनको आपको पढ़ना है, फिर इनमें से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इनके आंसर्स आपको देने हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं इसमें से। देखो पूरा का पूरा ये पैसेज है जो कि एक अनसीन पैसेज है, आप चलो इसमें से क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। तो देखो पूरा का पूरा पैसेज है, आप सब लोग इसको देख लीजिएगा। अब चलो जल्दी से मैं आपको इसके आंसर्स बता देता हूँ। तो देखो इसमें से पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं अबाउट हुम इज द अदर टॉकिंग हियर। तो देखो ये टॉकिंग किसके बारे में बात कर रहा है, चिल्ड्रन ग्रो अप एंड ओल्ड पीपल इसका राइट आंसर होगा। अब उसके बाद में ए चाइल्ड फाइंड प्लेजर इन प्लेइंग, तो देखो इन द रेन इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में चाइल्ड हुड हैज इट्स, तो देखो प्लेजर एंड पेंस इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में इफ द यंग मैन ब्रेक द लॉस ऑफ सोसाइटी माई गो टू, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा प्रिसन। यहाँ से आप लोग इसको देख लें, हुम स्टेडली ट्राइड टू बिल्ड अप हिज हर पोजिशन इन द सोसाइटी, तो देखो इसका राइट आंसर आपका यूथ होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन इन विच एज आर देयर फेव रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू मेक लाइफ डिफिकल्ट, तो देखो यूथ एज इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में द बेस्ट टाइटल ऑफ हिज पैसेज इज, तो देखो इस पैसेज का बेस्ट टाइटल क्या होगा, हैप्पीनेस इसका बेस्ट टाइटल होगा। उसके बाद में ओल्ड एज हैज ऑलवेज बीन थ्रोट आउट ऑफ, तो देखो यहाँ आपको लिख देना द बोस्ट। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं द एंटोनिम्स ऑफ द रिग्रेस इज, तो देखो रिग्रेस का एंटोनिम्स क्या होगा, प्रोग्रेस, तो यहाँ पर आपको प्रोग्रेस लिख लेना है। उसके बाद में द सिमिलर वर्ड फॉर द अनयूजुअल एक्साइटिंग द डेंजरस एक्सप्रेशन ऑफ द इवेंट इज, तो देखो यहाँ पर आपको बैटल लिख लेना है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 2 ये यहाँ पर आपको दिया गया है, तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से प्रश्न नंबर 2 को भी पढ़ लीजिएगा। अब चलो मैं जल्दी से आपको प्रश्न नंबर 2 के उत्तर बता देता हूँ कि प्रश्न नंबर 2 के उत्तर किस प्रकार से आपको देख लेना है। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 2 ये होंगे, आप सब लोग इसको देख लीजिएगा। ये प्रश्न नंबर 2 में भी इस प्रकार का पैसेज आपको दिया गया है, पैसेज में से यहाँ से आप लोग इनको देख लें। व्हाट अकॉर्डिंग टू द अदर इज एसेंशियल फॉर मॉम, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा वर्क। उसके बाद में वर्क बेनिस फ्रॉम लाइफ, तो देखो यहाँ पर आपको पॉवर्टी लिख लेना है। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन व्हाट अकॉर्डिंग टू द अदर इज डेथ, तो देखो इसमें आपको लिख लेना आइडलनेस। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू टैगोर हु इज द पाथ मेकर, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा द वर्कर। उसके बाद में हु सेज दैट देयर इज पेनियन रेवल, तो देखो इसको पढ़ लीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा कार्लियर, ये बी नंबर का इसका राइट आंसर होगा। 14 क्वेश्चन पढ़ते हैं द बेस्ट फॉर्म वर्शिप इज वर्क एंड सर्व अदर अकॉर्डिंग टू, तो देखो इसका राइट आंसर भी आपका बी आ जाएगा। व्हाट डू यू यंग मैन एंड वुमेन प्रिपेयर, तो देखो इसका राइट आंसर होगा वाइट कॉलर जॉब, देखो 7वीं का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। उसके बाद में 8वां क्वेश्चन पढ़ते हैं हु अर्न हिज लाइवलीहुड बाई द स्वीट ऑफ द ब्रेड, देखो इसका राइट आंसर होगा द वर्कर, तो यहाँ पर आपको वर्कर लिख लेना है। उसके बाद में चूज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑफ द अपोजिट ऑफ द पॉवर्टी, तो देखो पॉवर्टी का अपोजिट क्या होगा, प्रॉस्पेरिटी इसका अपोजिट होगा, तो यहाँ से आप लोग इसको लिख लीजिएगा। अब उसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं चूज फ्रॉम द फॉलोइंग द सिमिलर वर्ड ऑफ द इलनेस, तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा वर्शिप, तो यहाँ से आप सब लोग इस प्रकार से इस क्वेश्चन के आंसर को लिख लीजिएगा और पूरा इसको समझ भी ले, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ, उम्मीद है कि पूरा का पूरा आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब उसके बाद में देखो सेक्शन बी को समझ लीजिएगा। सेक्शन बी में इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर तीन देख सकते हो, प्रश्न नंबर तीन ये लिखा है, चार ये यहाँ पर आपको दिया गया, पाँच ये लिखा है। इस प्रकार से आप सब लोग इन प्रश्नों को देख लें और पूरा पूरा इनको समझ भी लें। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर छः में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, सी टूल ऑफ कोट एंड सेट। तो देखो इसमें आपको द लिख देना है, देयर वाज ट्रैफिक ऑन द रोड। तो देखो इसमें आपको मच लिख देना है, सी इज एम ए इन इंग्लिश। तो देखो इसमें आपको एन लिख देना है, कैन यू गिव मी मोर इन्फॉर्मेशन। तो देखो इसमें आपको सम लिख देना है। उसके बाद में देयर आर सिक्स पेन इन माई बैग। तो देखो इसमें आपको एवरी लिख देना है। उसके बाद में पीपल लाइव अप 100 ईयर्स। देखो इसमें आपको फेव लिख देना है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर सात को यहाँ से देख लें, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द अबव। तो देखो इसमें से पहले में देखते हैं, तो देखो वेयर फिनिश यहाँ पर आपको लिख लेना है। सेकंड नंबर में द रोज स्वीट, तो देखो इसमें आपको इसमें लिख लेना है। और उसके बाद में थर्ड को देखते हैं, सी ए बुक नाउ ए डेज। तो देखो इसमें आपको इज रिटन आपको लिख देना है। उसके बाद में चौथे को देखते हैं, दे ऑप्टन फॉर एबव। तो देखो यहाँ पर आपको वो लिख देना है। उसके बाद में ये देखते हैं पाँच नंबर का क्वेश्चन, देखो इसमें आपको अबाउट लिख देना है। छठे में आपको सेल मीट लिख देना है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के क्वेश्चंस को देख लें और पूरा इसको समझ भी लें। अब देखो प्रश्न नंबर आठ में फिर वापस आपको इस प्रकार से फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। तो चलो हम इन फिल इन द ब्लैंक्स को भी समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट मॉडल्स। देखो यहाँ पर आपको करेक्ट मॉडल्स से इसको भरना है। पहला क्वेश्चन, द ट्रेन इज लेट यू मिस इट। तो देखो यहाँ पर आपको माइट लिख लेना है। ही स्विम वेल इन हिज चाइल्डहुड। तो देखो इसमें आपको कोड लिखना है। उसके बाद में यू हेल्प मी आई एम वेरी पुअर। तो देखो इसमें आपको वुड लिखना है। उसके बाद में सी हैज़ फाइव कार, सी बी ए रिच वूमन। तो देखो यहाँ पर आपको मस्ट लिखना होगा। उसके बाद में मोहन इज एन ओल्ड मैन बट ही गो फॉर ए लॉन्ग वॉक। तो देखो आपको एक माइट लिखना है। उसके बाद में इफ यू पास आई गिव यू ए वाटर। तो देखो वाच, तो देखो इसमें आपको लिखना बिल। उसमें छठे के बाद में सातवा देखते हैं, तो सातवें में आपका सूट आ जाएगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको अच्छी प्रकार से बता चुका हूँ। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से अपने पूरे पेपर को समझ लीजिएगा और पूरा इसको तैयार कर लें। सेक्शन डी में इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो आप सब लोग इनको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिएगा आगे आपके पेपर में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दिए गए हैं, तो आप सब लोग इनको पढ़ लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। उम्मीद है कि पूरा का पूरा पेपर आपको यहाँ तक का अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो आप सब लोग इसको अच्छे प्रकार से कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। टोटली क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। और आप प्यारे विद्यार्थी हमें कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हो, और देखिएगा आपको कौन सा पेपर चाहिए। आपको मैं सभी के सभी पेपर उपलब्ध करवाऊंगा इस चैनल पर। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आपको कक्षा 11वीं के समस्त विषय के पेपर बताए जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों ने इसको अच्छे से देख लिया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।